जागरूक जनता पार्टी सह राधा स्वामी संगठन के द्वारा बरवाडी पुलिस लाइन, भूतबंगला, बरवाडी और गपई बदडीहा में गुरुवार को सभा की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनिशा सिन्हा ने संगठन के द्वारा चल रही योजनाओं की जानकारी लोगों को विस्तार पूर्वक दी। साथ ही यह भी आग्रह किया कि आप सभी हमारे संगठन से जुड़े, संगठन आपके हर जरूरत को पूर्ण करने का प्रयास अपने योजनाओं के माध्यम से करेगी। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी अनिशा सिन्हा ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में संगठन और अधिक विस्तृत रूप से आप लोगों के लिए आ सके, इसके लिए आप सभी को हमारे साथ चलना है, ताकि जो गिरिडीह क्षेत्र का विकास आज तक किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं किया गया, उसे मैं पूर्ण करने के लिए क्षेत्र में आई हूँ, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, सारी सुविधाएं हमारे क्षेत्र को मिल सके जो आज तक नहीं मिल सका। हमारे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर स्थिति में है और मेरा मानना है कि एक अच्छे शिक्षित समाज के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके लिए संगठन हमेशा तत्पर है। संगठन के माध्यम से गांडे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 निःशुल्क कोचिंग संस्थान का संचालन किया जा रहा है। उसी तर्ज पर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया जा रहा है, ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर एक शिक्षित समाज का निर्माण करें। इस मौके पर संगठन के ग्रामीण जिला अध्यक्ष नंदलाल पांडे ने बताया कि संगठन अपने समाज कल्याण के लिए लगातार 15 वर्षों से तत्पर है और भविष्य में आपके साथ रहेगी। इस मौके पर संगठन के नगर जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, सुबोध सिंह, गिरिडीह कार्यालय प्रभारी अमित कुमार के साथ संगठन के पंचायत प्रतिनिधि बेबी देवी, सुंदरी देवी, प्रमिला देवी, सलमा खातून, मालती देवी के साथ कई ग्रामीण मौजूद रहे। जी सभी को तो पहले मेरा प्रणाम। राधा स्वामी संगठन आज जो है विगत 15 वर्ष से जो है कार्य कर रही है और आज जो हम यहाँ उपस्थित है बरवाडी में, खासकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है हम यहाँ आए हैं और हम जो है यहाँ सबसे पहले जो है शिक्षा के मामले में जो है यहाँ विस्तार पूर्वक बताए कि यहाँ पर जो है गिरिडीह विधानसभा में खासकर निःशुल्क कोचिंग सेंटर का जो है हम लोगों ने यहाँ पे रखा है बात, और दूसरा जो है रोजगार के लिए हम महिलाओं को जो है जागरूक किए हैं और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को इतना सशक्त कर दूँ ताकि जो है उनके पुरुष, जैसे कि हम लोग चाहते हैं, हम लोग देखते हैं कि पुरुष लोग बहुत परेशान रहते हैं हर चीज में, तो अगर महिलाएं जो है मजबूत रहेंगी तो पुरुष का आधा जो है टेंशन खत्म हो जाता है। इसी भावना को लेकर के जो है आज हम लोग यहाँ उपस्थित है, एक हम लोगों का यहाँ सभा हुआ महिलाओं के बीच और महिला को जागरूक करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहला प्राथमिकता हमारा शिक्षा है, शिक्षा और रोजगार है, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है आज के में। अगर शिक्षा हम नहीं ले पाते हैं तो उनको रोजगार मिलना आगे दिन जो है बहुत मुश्किल है। गिरिडीह विधानसभा के प्रत्याशी अनिशा सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमने जिस प्रकार से गांडी विधानसभा क्षेत्र में हमारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है, उसी तहत हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में जिनके माता पिता जो है सो सक्षम होते हैं, उनको जो है सो निःशुल्क शिक्षा मिल सके, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान का जो हम लोग संचालन कर रहे हैं और जगह जगह भी नया नया कोचिंग जो है सो हम लोग शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। क्या ये कोचिंग संस्थान हमारे लिए हमेशा रहेगा, ताकि बच्चियों को जो है सो बच्चे या बच्ची जो भी उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके और एक नए मतलब शिक्षित समाज का विकास हो सके। ठीक।